वी आगे लाइव। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम इनायत साहब के साथ जो है ना, सलाम। हम हमने सोचा कि वैसे तो मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आज डाली, कुछ मौका मिल गया था इनायत साहब के साथ, तो मैंने कहा कि कुछ इनायत साहब को मैं जोश दिला रहा था कि आप भी इस फेसबुक लाइव ऑप्शन का कुछ ना कुछ इस्तेमाल करें और अपने अपनी आईडी से कुछ ना कुछ लोगों को बताना शुरू करें। तो मैंने कहा सबसे पहले मेरी आईडी से ट्राई करें, तो अच्छा इनायत साहब ने कहा ठीक है। इनायत साहब तो माशाल्लाह इस उम्र के हिस्से में है कि उसके बावजूद वो हर चीज़ को सीखने को और सिखाने जी, को बस यही तैयार कि रहते हैं। हाँ, लेकिन ये तैयारी इस मामले में जरी सुस्ती का शिकार हो गई इनायत साहब है आप अपने क्या अपने हाथों पकड़ बेचारा के देखें जी। हाँ, बस। जी तो ये सुस्ती का शिकार इस हो गई है कि इस सिस्टम से अभी मैं मुतारिफ पूरी तरह नहीं हो सका हूँ। अब आप कहते हैं इसकी फायदियत इतनी है तो फिर तो सीखना पड़ेगी। इसलिए कि अल्लाह इकबाल के पास आए थे ना एक साहब सिख, तो कहने लगे वो ये सारंगी लिए बैठे थे कि भले इकबाल से बोले कि जी आज तो अपने महबूबा को गोद में लिए बैठे हो। इकबाल बोले पंजाबी में, वो जी सिकड़ी जो हुई सिकड़ी जो है हाँ सिकड़ी जो हुई, तो उसके बाद इजाफा ये हुआ कि मैं वो थोड़ा सा दूर सिकड़ी, करता हूँ उसको जाके, आपकी तस्वीर अच्छा अच्छी नजर आ रही अच्छा है। सिकड़ी जो हुई तो उसने कहा वो ए जवेद भी सिकदा है नहीं जी सिकदा नहीं, उन्हें भी सिकनी चाहिए थी तो मुझे भी सीखनी चाहिए थी ये टेक्निक इसकी, तो फिर अब सीख जाऊंगा। तो फिर सोचता ही हूँ कि भाई उम्र सारी तो कटी इश्क बोता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। तो जो काम लिखने पढ़ने का है, मसनसाबी किताबों के तसी है ये है, वो काम कर लें नई चीज़ सीखने के बजाय, जो पुराना काम है पहले वो तो निपटा दें। इसलिए कि फारसी में कहा गया है कि तुमने ज़मीन का काम बहुत निपटा दिया, जो आसमान की तरफ चले हो तो कारे ज़मीरा न को साख्ती के बा आसमां नीस पर दाख्ती। ज़मीन का काम तो हुआ नहीं है, आसमान की तरफ जा रहे हो तुम, तो जो कुछ सीख लिया है चाहता हूँ कि पहले उसी को पहुँचा सकूँ। तो फिर लेकिन ये एक ज़रिया ही ऐसा है कि इसमें बहुत ही आसानी से वो जल्दी, और किसी ने कहा था शायर ने कि हैफ अफसोस के घर भी तेरे घर के बराबर न हुआ, हैफ के घर भी तेरे घर के बराबर न हुआ, तू ना आता तेरी आवाज़ भी आया करती। तो वो घर बराबर होने की ज़रूरत नहीं, आवाज़ कहीं से भी आपकी पहुंच जाएगी। आवाज़ पहुंच सकती है और शक्ल भी पहुंच सकती है। अच्छा हैफ पर एक शेर याद आ गया भाई, जद्दा में एक शायर थे, मुझसे कहने लगे कि नायर साहब चलिए हमदिया मशायरा है। अब नातिया तो बहुत होते हैं, वो हमदिया बहुत ही नादिर कहीं हमदिया हो, तो मैं कहा चलिए। एक मदरसे में गए तीन चार अच्छा ये जो शायर। हमें अभी एक निशान आपको बराबर नजर आ रहा है ना, एक लाइक का, हाँ एक ब्लू से रंग का एक चीज आती है वो चली आती है, तो मुख्तलिफ लोग आके हाँ इसको पे लाइक का बटन दबा रहे हैं। अच्छा देख रहे हैं भाई, लेकिन हाँ वो देख रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त 4 लोग हैं जो हमें देख रहे हैं। अच्छा तो बहरहाल वो उन्होंने रिकॉर्डिंग की, नज़में पढ़ी हैं हमद की। मैंने कहा आपने कुछ इरशाद नहीं फरमाया? कि नहीं मैं तो बस रिकॉर्डिंग कर रहा था। नहीं, आपको इरशाद फरमाई साहब, उन साहब ने साबिर जली जमील नाम था गालिबन, मरहूम हो गए जवान आदमी, उन्होंने शेर पढ़ा साहब हमद का, वो मैं कहता हूँ कई दीवानों पर भारी है। क्या शेर है आपको याद भी हो जाएगा सुनते ही। देखिए उसने कहा कि सद हैफ, कितने अफसोस की बात है, सद हैफ के बंदे हैं बहुत दूर खुदा से। कितने दूर हैं हमें खुद मालूम है, पाकिस्तान बनाया था इस्लाम के लिए, कुरान के निज़ाम के लिए, और कुरान पढ़ने वाले बच्चियों को फास्ट फूड से भून दिया गया जमे हफ्सा में। सदहैफ के बंदे हैं बहुत दूर खुदा से, सदहैफ के बंदे हैं बहुत दूर खुदा से, सद शुक्र के बंदों से खुदा दूर नहीं है, सद शुक्र के बंदों से खुदा दूर नहीं है। मैंने कहा साहब कुछ और अता फरमाइए। एक शेर और सुना दिया उन्होंने, वो भी लाजवाब शेर। उन्होंने कहा कि अजीब है ये मोहम्मद के रब का दरवाज़ा, अजीब है ये मोहम्मद के रब का दरवाज़ा, के जो तस्वुर दस्तक ही से खुल जाता है, तस्वुर दस्तक ही से खुल जाता है, नौबत नहीं आती दस्तक देने की। तो बाद अशार ऐसे होते हैं जो सुनते ही याद हो जाते हैं। दाग का एक शेर भी लाजवाब है अपने मजमून के अतबार से। वो कहता है कि सबक ऐसा पढ़ा दिया तूने, दिल से सब कुछ भुला दिया तूने, दाग को कौन देने वाला था, जो खुदा है खुदा दिया तूने। हाँ, और फिर ये कि लाख देने का एक देना है,
लाख देने का एक देना है, दिले बे मुद्दा दिया तूने दिले, लेकिन वो जो है बनस किया ना, वो कहता है कि मुझ गुनाहगार को जो बख्श दिया, मुझ गुनाहगार को अपने गुनाहगार होने की शिद्दत, मुझ गुनाहगार को जो बख्श दिया तो जहन्नम को क्या दिया तूने, कौन क्या होगा जहन्नम जब मैं नहीं गया, सबसे बड़ा गुनाहगार तो मैं था ना, और जहन्नम को भी कुछ ना कुछ दिया होगा, उसका मतालबा भी पूरा हुआ होगा ना, तो किसको कौन क्या होगा जहन्नम में, मुझ गुनाहगार को जो बख्श दिया तो जहन्नम को कह दिया तूने। तो बादशाह ऐसे होते हैं कि वह सुनते याद हो जाते हैं। आप कुछ बता रहे थे आज इसारत में आपने कोई कॉलम पढ़ा था। हाँ आज मैंने पढ़ा था, कॉलम नहीं बल्कि दो मजमून थे बानो कोसिया पर, उसमें एक नावल का जिक्र ख़ास तौर से था राजा गिद्ध, और था ये कि आजकल लोग मगरबी लिटरेचर से कुछ इस्तेफादा करते हैं और कहते हैं, लेकिन बानो कोसिया ने पूरी मशरक़ी तहजीब को बयान किया सारे नावलों में, कई नावल लिखे हैं ख़ास तौर से राजा गिद्ध, कहा कि यूनिवर्सिटी से ताल्लुक शुरू होता है तो अफराद का एक लड़की और लड़के का गालिबन उसकी रुदाद है ये, लेकिन खालिस मजहबी अंदाज से। तो मुझे शौक़ था राजा गीत पढ़ने का, आज आपके साथ गया मैं दो तीन दुकानों पे, हमने तलाश के नहीं मिली, फिर एक जगह पर लाकर मिल गई वो किताब, तो अब मैं वो किताब पढ़ूँगा राजा गीत के, इसकी खूबियाँ मैंने सुनी है, तो बहुत शौक़ हुआ मुझे, और मुश्किल से मिली हमें किताब है। हाँ बिल्कुल, तीन चार दुकानों पर उन्होंने कहा नहीं ख़त्म हो गई ख़त्म हो गई, इसके माने ये है कि 17वां एडिशन छपा है उसका राजा गीत का, तो अब वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज हम जिसमें गए थे ऑक्सफोर्ड के फेस्टिवल था कोई, ये हर साल होता है, तो इसमें खूबी ये है कि किताबों के स्टॉल बहुत होते हैं, यूँ तो अभी मेला भी लगा था किताबों का, अब नहीं जा सका था मैं। आप नहीं जा सके थे? उसमें नहीं जा सका था, ऐसे मैं कन्विंस का मसला होता है, वह नहीं जा सका मैं। तो यहाँ आपने देखा कि मुलाकातें बहुत से लोगों से हो गई हर तो, कदम पर कोई ना कोई जानने तो वाला। ये तो फिर बहुत बड़ी ज्यादती हुई ना कि राह टीवी का स्टॉल था और इतने सारे जमात से रिलेटेड लोगों के स्टॉल थे, उनको इतनी अकल होनी चाहिए कि जिनके स्टॉल में इनायत अली खान टोकी साहब मौजूद होंगे उनके स्टॉल पे कितनी बरकत हो जाएगी। बस ये ना कि राह वालों ने इंटरव्यू भी मिस हुए हैं मौलाना के बारे में, वैसे राह टीवी पे जा चुका हूँ मैं, लेकिन वो अच्छा इससे पहले आफाक वालों ने हैदराबाद से बुलाया था और कोई शो था, उसमें बच्चों के साथ मैंने गुफ्तगू की थी, लेकिन अब वो सब भूल गए मुझे। ठीक है भाई, तो वो हमारी तो इनायत साहब से ये अभी ख्याल था, तुम्हें ख्याल नहीं इसका कुछ ख्याल नहीं, तुम्हें ख्याल नहीं इसका कुछ ख्याल नहीं, कभी ख्याल था इसका ख्याल होता है, कभी ख्याल था इसका ख्याल होता है, ये और बात है तुमसे गिला नहीं करते, ये और बात है तुमसे गिला नहीं करते, मलाल क्यों नहीं होता, मलाल होता है मलाल क्यों नहीं होता। तो जो हबाब भूल गए हैं, यहाँ तक कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ हैदराबाद में दरस कुरान होते थे, अब यहाँ कोई दरस कुरान नहीं हो रहा, दावत मिलती है कि फला दरस कुरान आप आइए, मैं कैसे जाऊँ भाई, कोई साहब पकड़ लेने लेकर आए मुझे, चला जाता हूँ मैं। नहीं मतलब इनायत साहब हमने आपको देखा इतने, वाकई में मेरी तरफ से भी नाहली है कि आप इतने दिन से आपने तो रमजान में भी नहीं हिम्मत हो कराया। हाँ इस दफा रमजान में हमारा इरादा करते रहे, रमजान में हमारा इवेंट हुआ ही नहीं, रमजान के इफ्तार का प्रोग्राम होता है वो इस दफा हमारे यहाँ हुआ ही नहीं, नहीं हुआ था ना। तो बाकी लेकिन ये है कि आपको हमने देखा कि कितने लोगों ने आपको पकड़ पकड़ के ऑक्सफोर्ड फेस्टिवल में आपसे सलाम दुआ करी, आपसे मिलना चाहा, आपके साथ सेल्फियां खिंचवाई। तो अब अगर आप थोड़ा सा अपना टाइम इस मोबाइल फोन के आगे दे दें तो आप देखिएगा कितने सारे आपके चाहने वाले होंगे, वो आपसे ये कहेंगे कि नहीं हम आपको फॉलो करेंगे, आपका 5 मिनट का एक लेक्चर, अगर 10 मिनट का एक लेक्चर फेसबुक पे रोजाना हो जाए अपने ही फोन से अपने ही घर में बैठे बैठे। अच्छा अभी जो गुफ्तगू हमारी हुई है आपने रिकॉर्ड की थी क्या? जितनी भी हमारी गुफ्तगू हुई है वो सब मैंने फेसबुक पे लाइव कर दी थी। अच्छा, तो उसमें सिवाय एक छोटा सा सेक्शन ऐसा है कि मुझे इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं मिल रहा था, बाकी ज्यादातर गुफ्तगू फेसबुक पे लाइव हो गई थी। तो जैसे बहुत कुछ लोग हाथ के हाथ हमें देख रहे थे जैसे हमारे साथ बैठे, जैसे अभी हमारे साथ चार लोग बैठे हुए, एक उमेर बैठे हुए ये माशाल्लाह सोशल मीडिया इसको ये
इन्होंने अभी मौलाना का जो तर्जुमा है ना, उसकी रिकॉर्डिंग जो फयाज आलम साहब ने कराई थी, उसका एक ऐप बना के इस पे डाल दिया है एंड्रॉइड पे, तो कोई लिखे तर्जुमा कुरान मौदूदी तो वो आ जाता है, तो वो पूरा इस पे डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन पे, जब भी आप जो कोई सूरत सुनना चाहें तो वो आपका तलावत और तर्जुमा सुन लें, और सब कोई खर्चा नहीं होगा आपका। तो ये उमेर ने बनाया, अल्लाह इनको जजा दे। अच्छा, मुझसे ये काम आजकल मैंने किया है काम कि निज़ामत इस्लामी निज़ामत तालीम ने कुरान को निसाब में शामिल किया है, निसाबी किताब की तरह उसमें एक एक रुकू के बाद उसके सवालात वगैरह हैं वो दिए हैं। लेकिन मसला ये था कि मौलाना ने ये किताब इन्हें तफ़ीर कुरान में प्रस्तुत की थी, 40 साल पहले शुरू किया था, उस वक्त की ज़ुबान। उन्होंने कहा कि एक आम पढ़े लिखे आदमी के लिए है, आम पढ़े लिखे आदमी के लिए आज वो अल्फाज बिल्कुल गरीब हैं, नामानूस हैं, जो उस वक्त आम थे, अरबी फारसी आम थी। तो अब उन्होंने कहा कि ये काम आप कीजिए, चुनाचे मैंने पहली जिल्द के अल्फाज मुश्किल अल्फाज के माने लिख कर दिए। अच्छा, आपने पहली जिल्द की जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको कर दिया, ये काम आपसे किसने कराया? ये इन्होंने किया है इस्लामी निज़ामे तालीम में। लेकिन वो तो तफ़हीमुल कुरान नहीं छापते इस्लामी निज़ामे तालीम, ये तो उसकी उसकी आयात छापी इन्होंने, उसकी आयात कुछ इन्होंने छापी हैं निसाब के तौर पर। लेकिन आपने पूरी पहली जिल्द, अस्सलामुअलैकुम, ये मेरी छोटी बेटी आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या लाई भाई, ये रोटी लेकर आई है गरम गरम, माशाल्लाह, ऐसी गरम गरम रोटी। तो अस्सलामुअलैकुम, अरे वाह वाह भाई, अच्छा वाह, ऐसी अच्छी छोटी बच्ची है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो कलमा भी जानती होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, याद है ना, याद है आपको, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भी याद है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, याद है, पता नहीं हमें याद है नहीं है, सुनिए आप बिस्मिल्लाह आगे क्या है, हिर्रहमान है ना। अब अगर थोड़ी देर देखें, उमेर ने लिखा अल्लाह, आपको पढ़ा जा रहा है? नहीं, मैं इसको ब्रॉड करें, इसको थोड़ा सा बड़ा नहीं कर सकूंगा, इसको अल्लाह ताला आप जैसी इल्मी शख्सियत का साया तादेर कायम रखे। अच्छा, मुझ जैसी जनाब, मुझसे बेहतर नहीं मिली कोई इनको। अरे जी तेरा बेटा, एक है अलाउद्दीन खानजादा साहब, उन्होंने लिखा, ये तो खैर सेक्रेटरी रहे ना हमारे प्रेस क्लब के, तो वो अभी वो सुन रहे हैं आपको, सुन रहे थे, आप जरा उनको भी सलाम कर लें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हां सर, आप बताएं खानजादा भाई, अगर अपना फेसबुक चैनल बनाए, इसको फेसबुक की उनकी अपनी आईडी से ये रोजाना लाइव करें तो कितने लोग सुनने वाले होंगे? इरफान साहब कह रहे हैं कि कुछ काम शुरू करो इसको, तो ये कह रहे हैं, इन्होंने लिखा है माशाल्लाह। तो इस तरह से 7 लोग हैं इस वक्त जो हमको सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, ये तो ये प्रोग्राम सतवासा हुआ फिर तो, सतवास जानते हैं नहीं। अच्छा, बच्चे के पैदाइश की उम्र आमतौर से 9 माह होती है। अलाउद्दीन भाई ने लिखा है वालेकुम अस्सलाम। तो वो 7 माह में जो बच्चा पैदा हो वो जिंदा रह जाता है। अच्छा, 8 में नहीं। अच्छा हाँ, सतवासा कहलाता है वो, 8वां वाला नहीं रहेगा। अच्छा, प्रीमेचोर, 7वां वाला प्रीमेचोर हो जाएगा, 8वां नहीं होगा, जिंदा नहीं रहेगा, तो सतवासा कहलाते हैं बच्चे। तो 7 अफराद सुन रहे हैं तो ये प्रोग्राम सतवास। हाँ, अब वो ये रहे कि इस वक्त एकदम से ना इंटरनेट कमजोर हो गया। अच्छा, उस पर लिखा योर इंटरनेट कनेक्शन इज वीक, उसकी वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता उनको आवाज नहीं आ रही तो लोग जा रहे हैं। नहीं, ठीक। मेरी आवाज घर नहीं आती। अभी नहीं, अभी अली अलाउद्दीन भाई ने फिर लिखा है क्या कहने हैं उस्ताद इनायत अली खान। अच्छा, घर जराहत नजर नहीं आती, वो भी ये चारा घर नहीं आती, मतलब तस्वीर हल्की हल्की नजर आ रही होगी। हाँ, लेकिन वो रिकॉर्डिंग जो है, अच्छा इसमें फेसबुक हमने किया था ये, लेकिन ये इस फोन पे सही नहीं चलेगा, मैं आपको दूसरा फोन देता हूँ। अच्छा, ये अम्मी आ गई, सलाम वालेकुम, बस अब खाना, बस करते हैं जी, हाँ खाना, अभी तो इनसे फेसबुक लाइव करवा लिए। हाँ बस, अब तक गाना गाता हुआ आ रहा हूँ मैं दोपहर से। अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान, फिर तो बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा जी, ये आपको इल्म था कि मैं शब्देक जी हैं, वो रास्ते में मालूम हो गया था शब्देक है ये। अच्छा, एक और हैं हकीम मोहम्मद फैयाज साहब, वो कह रहे हैं इस तरह की इल्मी लेक्चर जरूर करें, मैं पिशावर से आपको सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा भाई, मेरे लिए खुशी की बात है,
اعزاز ہے میرے لیے کتنے لوگ سن رہے ہیں, حالانکہ میں کیا چیز مجھے سناؤں, آپ کو کیا سناؤں, میں خود سننی ہوں. چلیں جی, ان شاء اللہ تعالیٰ اب آپ اس وعدے کے ساتھ نا کہ یہ کام ہوتا رہے گا بھائی نا, بس آپ کی رہنمائی رہی تو ان شاء اللہ جاری رکھیں گے جب تک زندگی ہے, صحت ہے.